हेलो फ्रेंड्स, सतरंगी निटिंग पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये निटिंग पैटर्न बताने जा रही हूँ। ये छोटा छोटा सा डिज़ाइन है और इसको आप बच्चों के स्वेटर में डालिए, ये बहुत सुंदर आएगा बन करके। इसको आप किसी भी कलर में डाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये वाइट कलर में डाला हुआ है और इसी डिज़ाइन को ये मैंने पिंक कलर में डाला हुआ है। फ्रंट साइड से ये ऐसा आता है बन करके और बैक साइड से देखिए, बैक साइड से ये इस तरह से आएगा। ये चार चार सिलाई का पैटर्न है। इसको डालने के लिए आप कितने भी फंदे ले सकते हैं। फंदों का कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, आपका जितना मन हो उतने फंदे आप ले लीजिए। अब देखिए इसको कैसे डाला जाएगा। ये हमारा फ्रंट साइड है। जब भी आप पैटर्न डालें तो बॉर्डर के बाद आप दो सिलाई प्लेन बुन लीजिए, प्लेन यानी कि सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी, और अगर आपको फंदे बढ़ाने हैं तो आप उसी में फंदे बढ़ा लीजिए। अब देखिए इसको कैसे डाला जाएगा। पहला फंदा ये हमें ऐसे ही उतार लेना है। पहला फंदा हमने उतार लिया बिना बुना। अब धागा हम अपनी साइड लाएंगे, वूल को अपनी साइड लाएंगे। ये देखिए, अब इस फंदे को भी हमें स्लिप करना है। वूल को सिलाई पर ऐसे लपेट लेना है। अब इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से वूल को सिलाई पर लपेट लेंगे, फिर से ये फंदा हम बिना बुना ऐसा ही उतार लेंगे और वूल को एक बार फिर से सिलाई पर लपेट लेंगे। फिर से एक फंदा स्लिप किया, वूल को सिलाई पर लपेट लिया। पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बना लेनी है। फंदा उतारा, वूल को सिलाई पर लपेटा, ये भी फंदा स्लिप किया, ये वूल को सिलाई पर लपेट लिया। पूरी सिलाई हम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये देखिए लास्ट वाला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब हमारी अगली सिलाई बैक साइड से। देखिए ये फंदा, इसको हम उल्टा बुनेंगे। ये हमारी उल्टी सिलाई है तो सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। ये फंदा उल्टा बुन लिया। अब देखिए ये लपेटा हुआ फंदा है, इस लपेटे हुए फंदे को हम फिर से ऐसे ही सिलाई पर उतार लेंगे। अब ये फंदा उल्टा बुनेंगे, इस लपेटे हुए फंदे को सिलाई पर उतार लेना है। ये फंदा उल्टा बुनना है, लपेटा हुआ फंदा स्लिप करना है, ये फंदा उल्टा बुनना है, लपेटा हुआ फंदा स्लिप करना है, ये फंदा बुनेंगे, ये फंदा स्लिप करेंगे, ये फंदा बुनेंगे, ये फंदा स्लिप करेंगे। पूरी सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सुंदर पैटर्न है, इसे आप कैप में भी डाल सकती हैं, बहुत अच्छा लगेगा। लेडीज जैकेट में डालिए,
कैप में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए, कहीं भी डालिए, बहुत सुंदर आएगा बन करके। ये देखिए हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये लास्ट फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो, पहला फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए एक ये फंदा और एक ये लपेटा हुआ फंदा, दोनों फंदे एक साथ लेंगे। ये देखिए ये फंदा और ये लपेटा हुआ, ये दो दो फंदे हमारे एक साथ हैं। देखिए दो दो फंदे हमारे ये एक साथ हैं, तो ये दोनों फंदे हमें एक साथ लेने हैं। ये देखिए दो फंदे एक साथ लेंगे और सीधा बुनेंगे, दो का एक सीधा फंदा बुनेंगे। वूल अपनी साइड लाएंगे। अब देखिए ये फिर दो फंदे हैं, एक ये हमारा फंदा है और एक ये लपेटा हुआ फंदा है। ये दोनों फंदे एक साथ लेंगे और दो का एक उल्टा फंदा बुनेंगे। धागा पीछे साइड ले जाएंगे। ये देखिए एक ये फंदा और एक ये लपेटा हुआ फंदा, दोनों फंदे एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बुन लेंगे। धागा अपनी साइड, एक ये फंदा है और एक ये लपेटा हुआ फंदा, दोनों फंदे एक साथ लेंगे और दो का एक उल्टा फंदा बुन लेंगे। वूल पीछे की साइड, ये दोनों फंदे एक साथ लेंगे और दो का एक सीधा फंदा। ध्यान रखिएगा एक बार सीधा बुनना है और एक बार उल्टा बुनना है। ये हमारे दो दो फंदे एक साथ आ रहे हैं, तो दोनों फंदे हमें एक साथ बुन लेने हैं, एक बार सीधा एक बार उल्टा। पूरी सिलाई हम इसी तरह से बुन लेंगे। ये देखिए हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हुई। ये लास्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी फोर्थ रो, फोर्थ रो हमें पूरी उल्टी ही बुन लेनी है। ये हमारी उल्टी सिलाई है और पूरी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी चारों सिलाई कंप्लीट हो गई और ये हमारा जो डिजाइन है वो इस तरह से बन करके आ गया है। अब आगे इन्हीं चारों सिलाइयों को हमें रिपीट करते जाना है और डिजाइन को आगे डालते जाना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा शुरू करके बता देती हूँ कि पहला फंदा हम, ध्यान रखिएगा पहला फंदा हम ऐसे ही बिना बुना उतार लेंगे। इसके बाद हमें वूल को आगे लाना है इस तरह से। शुरू में आप ध्यान रखिएगा पहला फंदा बिना बुना उतार लेना है, फिर वूल को हम आगे लाएंगे। अब हमें ये फंदा स्लिप करना है और वूल को सिलाई पर लपेट लेना है, फिर ये फंदा बिना बुना उतारेंगे, फिर सिलाई पर वूल को लपेटेंगे। पूरी सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे, बस शुरू में आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। फिर आगे की सिलाइयां हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई हैं और इसी तरह डिजाइन को आगे डालते जाना है।
अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।